4 अप्रैल 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों के ट्रस्टी बनो, सबकी संभाल करते हुए किसी में भी ममत्व नहीं रखो। प्रश्न, इस ड्रामा में माया कौन सी भूले जब करा देती है तब बाप अभूल बनाने आते हैं। उत्तर, पहली भूल यह कि जो ब्रह्मा तत्व को ही परमात्मा समझ लिया, तत्व से योग लगाना यह तो मिथ्या है, इससे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। दो, हिंदुस्तान में रहने के कारण देवी देवता धर्म के बदले अपना हिंदू धर्म कह देना यह भी बड़ी भूल है, इस भूल के कारण धर्म की ताकत नहीं रही है। अब बाप आए हैं तुम्हें अभूल बनाने। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। यह कौन आया बच्चों के पास, बच्चों के पास माता पिता ही तो आएंगे। जिसके लिए गायन है तुम माता पिता हम बालक तेरे, अब तुम बालक की हैसियत में बैठे होना। परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं निराकार हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी ऐसे नहीं कह सकते, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा ही कह सकते हैं इस शरीर द्वारा। यह तो जानते हो मेरा कोई स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है, यह आत्मा ही शरीर द्वारा बोल रही है। निराकार परमपिता परमात्मा बैठ बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नया कोई सुने तो कहेंगे यह कैसे हो सकता है। हाँ, शिव भगवानुवाच ब्रह्मा के शरीर द्वारा, शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, तो इतने सब बी के कहां से आए। वह ब्राह्मण लोग कोई अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहलाते हैं, तुम क्यों कहते हो हम बी के हैं? तुम सिद्ध कर बता सकते हो इस ब्रह्मा का बाप है परमपिता परमात्मा शिव, उनके यह तीन बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। तो शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से मुख वंशावली रचकर उनको मनुष्य से देवता बनाते हैं। इस दुनिया में मनुष्य तो ढेर है, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न धर्म जातियां है, गुजराती पंजाबी यूपी क्रिश्चियन बौद्धी महाराष्ट्रियन आदि कितनी जातियों के नाम है। सतयुग में इतने धर्म जाति होते ही नहीं, न अनेक भाषाएं न अनेक धर्म होते हैं, कहते भी है एक राज्य हो, सतयुग में है ही देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं आकर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। गाया भी जाता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, देवताएं तो होते हैं सतयुग में, त्रेता में भी नहीं होते, त्रेता में है क्षत्रिय वर्ण। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले, और ब्राह्मणों को पढ़ाकर फिर देवता और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। बाकी सब जो भी अनेक धर्म है सबका विनाश होना है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे मैं तुम आत्माओं का सच्चा सच्चा बाप हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, मेरे को सदैव बाप की हैसियत से याद करते हो। भक्त भगवान को याद करते हैं क्योंकि यह शिक्षा सिवाय भगवान के और कोई दे ना सके। अभी तो अनेक धर्म है, तुम लिस्ट नहीं निकाल सकते हो कितने मनुष्य हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, सो भी सबको तो नहीं बनाएंगे, यह समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं मेरे सिवाय कोई यह समझानी दे ना सके। बाप बैठ तुम बच्चों को सतयुग के ये पढ़ाते हैं, कहते हैं बच्चे अभी जितना पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना हो सो पालो। हर एक मनुष्य अपनी आजीविका के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, कोई भी अच्छा पढ़े तो ऊंच पद पा सकते हैं। यहाँ भी बाप कहते हैं अबलाऊ गणिकाओं को भी पुरुषार्थ से विश्व का सूर्यवंशी राज्य मिल सकता है। बाबा ने समझाया है इस समय हरेक द्रौपदी पुकारती है बाबा रक्षा करो, फिर दिखाते हैं श्री कृष्ण ऊपर में बैठा है, साड़ियां द्रौपदी को मिलती जाती है, रक्षा हो जाती है।
अब ऐसी बातें तो हैं नहीं, यह इस समय की बातें हैं। बाप कहते हैं तुमको 21 जन्म नंदन होने से बचाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कोई उतार नहीं सकते। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को पवित्र बनना है। आधाकल से विकारों में हिरे हुए हैं, तो यह आदत मिट्टी नहीं है। बाप आकर तुम्हें नंदन होने से बचाते हैं, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। पवित्रता में रहते फिर माया वार कर लेती है। अबलाओं पर तो विष के कारण बहुत अत्याचार होते हैं और बच्चों में मोह भी रहता है, इसमें तो पूरा नष्टोमोहा बनना चाहिए। पहले पहले जब भट्टी बनी तो बहुत हिम्मत रख भागे, देखा मार मिलती है, हंगामा करते हैं तो झट त्याग कर लिया। सन्यासी भी भागते हैं, पहले तो उन्हों को याद सताती है। नष्टोमोहा होने में मेहनत लगती है, क्योंकि उन्हों के पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत मिलती नहीं। तुमको तो ताकत मिलती है, उनको पवित्रता की ताकत कहां से मिले? पवित्रता का सागर तो एक परमपिता परमात्मा है, उनसे ही वर्षा मिलता है। वह बाप से तो योग लगाते नहीं, ब्रह्मा से योग लगाते हैं तो पूरा पवित्र बन नहीं सकते। ब्रह्मा अथवा तत्व से योग लगाना मिथ्या हो जाता है। देखो यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है, भूले तो बहुत की है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी भूल है। ब्रह्मा अथवा तत्व को परमात्मा कहना यह भी भूल है। ड्रामा में भी नूंद है। बाप आकर समझाते हैं, यह भूले माया कराती है। बाबा आकर फिर अभूल बनाते हैं। सत्युग में एक ही धर्म एक ही भाषा थी, ऐसे नहीं वृंदावन में रहने वालों को वृंदावनी कहेंगे, वहां धर्म ही एक है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तुमको फिर से सो देवता बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। बाप रचता ही है स्वर्ग, फिर हम नर्क के मालिक क्यों हैं? नई दुनिया में जरूर हम स्वर्ग के मालिक होंगे, उस समय बाकी सब आत्माएं परमधाम में होंगी। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, जितना जितना योग होगा उतना धारणा अच्छी होगी। कहां भी ममत्व नहीं होना चाहिए, अपने को ट्रस्टी समझ पालना करो, बाप की अमानत है। देह सहित देह के सब संबंधों के हम ट्रस्टी हैं, परीक्षाएं भी आती हैं। कोई बीमार हुआ दुख हुआ तो संभालना पड़े, यह है ही दुख की दुनिया। शिव बाबा को तो कोई दुख नहीं होगा, वह तो ट्रस्टी है। कोई को कुछ हुआ कहेंगे अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाकर दूसरा शरीर लिया, इसमें हमारा क्या जाता है? इतने सब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे, शिव बाबा को दुख होगा क्या? और ही खुशी होती है। यह पुराना छीछी शरीर छुड़ाए बच्चों को वापस ले जाऊंगा, दुख की बात ही नहीं, अफसोस की कोई बात ही नहीं। हम उठते बैठते मीठे मीठे बाप को याद करते हैं। परमधाम में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। बाबा को याद करते करते शरीर छूट जाएगा, ऐसे बहुत सन्यासियों का होता है। बैठे बैठे अपने को समझते हैं, बस हम ब्रह्मा में चले जाते हैं, जाकर लीन होंगे, ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं। बाबा अपने अनुभव से बताते हैं, प्राणायाम चढ़ाते चढ़ाते गुम हो जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह आत्मा ब्रह्मा में चली जाएगी, आत्मा तो एक शरीर छोड़ फौरन दूसरा लेती है। बाकी कोई निर्वाण में जाता नहीं है, न ज्योति ज्योत समाते हैं। सबको पाठ बजाना है जरूर। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ जब सभी एक्टर्स मौजूद रहते हैं, क्योंकि मैं हूँ सब सजनियों का साजन। मेरे पिछाड़ी सब सजनियां वापस आ जाएंगी, मैं आया हूँ सबको वापस ले चलने। अब नाटक पूरा होता है, अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे
सदगति दाता एक ही बाप है। अभी बाप आया है, समझा रहा है मैं कब और कैसे आता हूँ, फिर तुम सब आत्माओं को ले जाता हूँ, छी छी से गुलगुल बनाता हूँ, गुलगुल ही बलि चढ़ेंगे। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने भगाया, परंतु किसके लिए भगाया? श्री कृष्ण की तो बात है नहीं, यह तो बाबा ने छुड़ाया है। सहज राजयोग सिखलाकर स्वर्ग के महाराजा महारानी बनाने, तुमको साक्षात्कार भी हुआ है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने का। तुम जानते हो बरोबर हम मोर मुकुटधारी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अब तुम हो ब्राह्मण, गाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारिया बनते हो। यह बातें समझने और समझाने की है। राजधानी स्थापन हो रही है तो सभी को पुरुषार्थ करना चाहिए अच्छी रीति से। कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं हे आत्मा मुझ बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। विश्व का मालिक बनने के लिए इतना तो याद करेंगे। देही अभिमानी बनो, देहाभिमान आने से ही माया घूंसा लगाती है। एक नाटक भी बना हुआ है, माया ऐसे करती है, भगवान ऐसे करता है। तो प्रैक्टिकल में देखते हो कितने बाप का बनकर फिर मुख मोड़ लेते हैं, जाकर निंदा करते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। सत बाप सत टीचर सदगुरु की निंदा करते हैं, उनको देख मनुष्य कहते हैं ईश्वर को कैसे फारकती देते होंगे। तो ऐसे निंदक ऊंचते ऊंच ठौर नहीं पा सकते हैं। यह है अभी की बात। कई बच्चों को नष्टोमोहा बनने में बड़ी मेहनत लगती है, बहुतों का मोह निकलता ही नहीं है। बाबा तो कहते हैं बच्चों को भी संभालो, उन्हों को भी शिव बाबा याद कराते रहो। जो अच्छे होंगे वह शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं गवर्नमेंट भी प्यूरिटी चाहती है, तो उनको समझाना चाहिए हम भारत को पवित्रता में लाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, हम भारत को स्वर्ग जरूर बनाएंगे। कन्याएं माता पिता का भी उद्धार कर सकती हैं। बाप को तो गरीब निवास कहा जाता है, साहूकारों का तो सारा धन माल मिट्टी में मिल जाएगा। साहूकारों के लिए बड़ी ताकत चाहिए क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक होते हैं ना, फिर अपनी चीज सरेंडर कैसे कर सकते हैं। बाप तो गरीब निवास ही गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पवित्र बनने के लिए पूरा नष्टोमोहा बनना है, पुराने शरीरों से ममत्व निकाल देना है। दो, उठते बैठते बाप की याद में रहना है, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना है, कभी भी बाप की निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, सदा स्नेह और सहयोग द्वारा अविनाशी रत्न का टाइटल प्राप्त करने वाले अमर भव, जो स्थापना के कार्य में सदा स्नेही और सहयोगी रहते हैं उन्हें अविनाशी रत्न का टाइटल मिल जाता है। ऐसे अविनाशी रत्न जो कभी कोई भी हिला न सके, कोई भी रुकावट रोक न सके, ऐसे अविनाशी रत्न ही अमर भव के वरदानी है, रियल गोल्ड है, बाप के साथी हैं, वे बाप के कार्य को अपना समझते हैं, सदा साथ रहते हैं, इसलिए अविनाशी बन जाते हैं। स्लोगन, पवित्रता की यथार्थ धारणा है तो हर कर्म यथार्थ और युक्तियुक्त होगा। कृपया आज की मुरली पर लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।